कोडरमा जिले से अंधविश्वास का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। दरअसल एक महिला को शुक्रवार को खेत जाने के दौरान सांप ने डस लिया, जिसके बाद आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ मुर्दा को जिंदा करने का अंधविश्वास का खेल। तांत्रिक को बुलाया गया और महिला में जान फूंकने का तमाशा घंटों चला। गाँव के लोग तमाशबीन बने रहे। मौत के बाद काफी देर तक अंधविश्वास का पर्दा नहीं उठा और घंटों मंत्र तंत्र का खेल चलता रहा। जब तंत्र मंत्र का कोई असर ना हुआ तो महिला के परिजन और गांव वालों को बात समझ आई, तब जाकर महिला का अंतिम संस्कार हुआ। 7 बजे घटना है। घर में काटा या बाहर में काटा? बाहर में बेटा, बाहर में खेत पर। घूमने जा रहे हैं। अच्छा, घूमने के लिए जा रहे थे? हाँ। वॉकिंग के लिए जा रहे थे? सुबह 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 जाती थी सब। गोबर लेके सर खेत में देने के लिए गई थी। अच्छा, तो उसी समय सर हम तो घर में थे। घर में आया कि माँ को सांप काटा है, वो बेहोश हो गई है। अच्छा। हम गए तब तक मेरा भाई, मैंने हम लोग दूसरा जगह चल गए। मेरा भाई गया सर लेके आया, घर लेके आया, उसको चरचका से लेके गया सर। कहाँ ले गया? सदर। अच्छा, सदर में गया सर तो इंजेक्शन फेक्शन क्या दिया सर, बोला मृत घोषित कर दिया। तो कौन सा सांप काटा इस चीज को पता चला? नहीं सर, नहीं सर, हम लोग तो देखे ही नहीं सर। नहीं देखे? अभी भी झाड़ फूक में लगे हुए हैं? झाड़ फूक में लगे हुए हैं अभी। क्या कहाँ का तंत्रिक आ रहा है सर? इधर आस पास का आ रहा है सर, मतलब लोकल तांत्रिक जो है वो आ रहा है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।